हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। हम बात कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स रिलेटेड विद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की, और इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्लाई ऐश। लेकिन एनजीटी ने इम्पोज किया 5 करोड़ ऑफ पेनल्टी ऑन द थर्मल पावर प्लांट दैट हैव नॉट फुली डिस्पोज ऑफ द फ्लाई ऐश दे जनरेटेड। देखिए, फ्लाई ऐश जनरेट होता है इंडस्ट्री में जहाँ पर कि जो चिमनीज से निकलता है, जिसमें कि PM2.5 पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन जिनकी वजह से होता है और रेस्पायरेबल होते हैं, ठीक है। इट बिकम्स एयरबोर्न एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ए रेडियस ऑफ 10 to 20 किलोमीटर तक ये सेटल हो सकते हैं हवा के द्वारा। सेटल ऑन वाटर एंड अदर सर्विसेज, कंटेन्स हैवी मेटल्स होते हैं इसमें फ्रॉम कोल, लार्ज अमाउंट ऑफ PM2.5 एंड ब्लैक कार्बन। नाउ, अब क्या किया जा सकता है? अब ये जो फ्लाई ऐश है, इस फ्लाई ऐश का यूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में, ब्रिक्स बनाने में, टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में, रोड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो इस तरीके से इसको उन्होंने, एनजीटी ने बोला है कि इसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए और इसका रीयूज़ आप कर ले बाकी के अलग इंडस्ट्रीज़ में। हॉग डियर क्या है? देखिए, हॉग डियर बेसिकली पाया जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल थाईलैंड में ये पाया जाता है, लेकिन अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ हॉग डियर इन मणिपुर इज रिपोर्टेड, ठीक है। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में था, IUCN की रेड लिस्ट में था, इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली टू रोल आउट हाइड्रोजन इंडस्ड CNG बसेस नेक्स्ट ईयर। दिल्ली गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू इंडक्ट 50 हाइड्रोजन CNG फ्यूल्ड बसेस ऑन ट्रायल बेसिस। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन इन द इंजन और रेट्रोफिटमेंट, ओनली सम कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस बस। HCNG is a vehicle fuel which is a blend of compressed natural gas and hydrogen, typically 8 to 50% hydrogen by volume. The thermal efficiency of both natural gas and HCNG increases with increase in load, which makes it an ideal fuel for high load applications and heavy duty vehicles. ये काम next year या इस year हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस बेस्ड टारगेट्स। क्या चीज़ है? इट इज़ एन इनिशिएटिव टू ड्राइव कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शंस ग्लोबली। इट हैज़ गिवन कंपनीज अ क्लियर रोड मैप फॉर हाउ मच दे नीड टू श्रिंक देयर कार्बन फुटप्रिंट। ये गूगल करना कार्बन फुटप्रिंट, टू रियलाइज द पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। यूनिक टू दिस इनिशिएटिव इज द क्राइटेरिया दैट कंपनीज नीड टू कमिट और सेटिंग सप्लाई चेन और स्कोप 3 टारगेट्स। ये मैं करा चुका हूँ आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में, किसी वीडियो में है, चेक करिएगा। दैट इज क्या था इसका मतलब? इफ मोर देन 40% ऑफ ए कंपनीज एमिशंस अकर इन इट्स सप्लाई चेन, देन द कंपनी हैज टू कमिट टू रिड्यूसिंग दोज एमिशंस एज वेल एज इट्स डायरेक्ट एमिशंस। ये बात थी, इसी को बोलते हैं हम स्कोप 3 गाइडलाइंस। 16 इंडियन कंपनीज दैट हैव कमिटेड टू द साइंस बेस्ड टारगेट्स and secured themselves competitive advantage in the transition, including Aditya Birla Chemicals, Banca Bello, Hindustan Zinc, Wipro and 12 Mahindra Group companies. ये 16 companies हैं जिन्होंने कि इन targets को रख लिया है अपने program में। On March 14, Mahindra Sanyo Steel become the first Indian company to set its साइंस बेस्ड टारगेट्स। इन्होंने अपने टारगेट्स सेट कर लिए, सबसे पहली कंपनी महिंद्रा ग्रुप की, और महिंद्रा ग्रुप की 12 कंपनीज इसमें शामिल हैं। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्टील कंपनी टू सेट सच टारगेट्स। नाउ ऑल दीज साइंस बेस्ड टारगेट्स, अब अगर क्वेश्चन है साइंस बेस्ड टारगेट्स आर रिलेटेड टू, सो दीज आर रिलेटेड टू श्रिंक देयर कार्बन फुटप्रिंट, मीन्स इट इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास Inspire 2018। क्या है Inspire 2018? द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी। ये है फुल फॉर्म Inspire की।
is being held in New Delhi. The symposium will focus on enhancing grid management, e-mobility, financial instruments and technologies for energy efficiency in India. देखिए हमारे जो sustainable development goals है ना, उसमें कम से कम पांच है, पूरा एक सब सेक्शन है रिलेटेड विद एनर्जी एफिशिएंसी. इंस्पायर 2018 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद ऑल दीज डिपार्टमेंट्स. द इवेंट इज ब्रिंगिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर्स, इन्फ्लुएंसर, इनोवेटर्स, थॉट लीडर, रिसर्चर, लीडिंग एनर्जी एफिशिएंट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेस लीडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू डेलिबरेट on key energy policies, market transformation strategies, sustainable business models that will help leverage the full potential of energy efficiency and bring multiple co-benefits to the fore. ठीक है जी, तो inspire है international symposium to promote innovation and research in energy efficiency. Next देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट मीटर्स हैव द पोटेंशियल टू इम्प्रूव बिलिंग एफिशिएंसी. अब एनर्जी एफिशिएंसी के साथ बिलिंग एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है. स्मार्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कम्युनिकेट्स द इन्फॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर फॉर मॉनिटरिंग एंड बिलिंग. यही काम करता है मीटर. स्मार्ट मीटर्स इनेबल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द मीटर एंड द सेंट्रल सिस्टम कम्युनिकेशंस. अब ये जो टू वे है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है. From the meter to the network may be wireless or via fixed wire connections such as power line carriers. Next पर चलते हैं. Next है हमारे पास power ministry recommends 24 degree Celsius as the default setting for ACs. देखिए AC आजकल तो देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है. ठीक है, AC का जो default पावर मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन की है कि एसीज का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस को डिफॉल्ट कर दिया जाए. इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मैन्युफैक्चरर्स कैरी आउट लेबलिंग इंडिकेटिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर सेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स बोथ फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. दीज टेम्परेचर सेटिंग विल बी इन द रेंज ऑफ 24 टू 26 डिग्री सेल्सियस. द टारगेटेड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स विल इंक्लूड एयरपोर्ट्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, offices and government buildings. This initiative is launched on a voluntary basis to increase awareness and encourage consumers to adopt the guidelines. आपने देखे होंगे ACs की जब बात करें तो 3-star, 5-star rating वाले, ठीक है, फिर उसके बाद में अलग अलग technology पर based. तो government ये चाहती है, power ministry ये चाहती है कि ये जो 24 degree, और आपको पता है कि 16 degree is the lowest, 16 से लेकर के आप जो घर के यूज़ के बता रहे हैं उसमें कॉमर्शियल यूज़ का तो और अलग रेंज है, 16 से लेकर के और आप आगे तक उसकी रेंज रखते हैं. लेकिन मिनिस्ट्री बोलती है कि 24 डिग्री इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर एज फार एज फाइनेंशियल एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट है द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ईसी एक्ट जिसको बोलते हैं. इट वॉज इनेक्टेड इन 2001, लास्ट साइड जिक्र आया था इसलिए यहाँ पर इसको बता रहा हूँ मैं. With the goal of reducing energy intensity of Indian economy, Bureau of Energy Efficiency BEE was set up as the statutory body on 1st March 2002. Bureau of Energy Efficiency, important question hai, at the central level to facilitate the implementation of Energy Conservation Act. The Act provides regulatory mandate for standards and labeling of equipment and appliances, energy conservation building codes for commercial buildings and energy consumption norms for the energy intensive industries. ठीक है जी, next क्या है हमारे पास, advanced motor fuels technology collaboration program. देखिए जो जो चीज़ हमारे environment से related है वो सारा का सारा हम एक बार सरसरी तौर पर देख रहे हैं. The Union Cabinet has been appraised of India joining as Member of Advanced Motor Fuels Technology Collaboration Program under International Energy Agency. The primary goal is to bring down emissions and achieve higher fuel efficiency in transport sector. It is an international platform under framework of International Agency for cooperation among countries to promote cleaner and more efficient fuels and vehicle technologies. India's association with AMF TCP will help in future furthering its efforts in identification and deployment of suitable fuels for transport sector for higher efficiency and lesser emissions.
देखिए, एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है और साथ के साथ में क्लाइंट के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई लेसर एमिशंस हो और हायर एफिशिएंसी मिले, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एडवांस मोटर फ्यूल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन प्रोग्राम चलाया गया है और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास COP24 इन कैटोवेस पोलैंड, मेजर आउटकम्स क्या थे? चलिए समझते हैं इसको, एक बहुत ही रीसेंट और करंट चीज़ है। इन 2018 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दैट टुक प्लेस बिटवीन 2 to 15 December 2018 पोलैंड इज द 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पैरिस। ठीक है, द पार्टिसिपेटिंग नेशंस एग्रीड टू द रूल्स टू इम्प्लीमेंट पैरिस एग्रीमेंट दैट विल कम इन टू इफेक्ट इन 2020। द रूल्स आर अकॉर्डिंग टू दिस द मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस डिड नॉट एग्री टू वेलकम द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट ऑन 1.5 डिग्री सेल्सियस, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था लास्ट वीडियो में। द US, सऊदी अरेबिया, रशिया, कुवैत रिफ्यूज टू वेलकम द IPCC रिपोर्ट। तो इन तीन कंट्रीज ने इनका अपोज किया। द पार्टीज ऑफ द कॉन्फ्रेंस एग्रीड टू रिकॉर्ड द प्लेजेस इन ए पब्लिक रजिस्ट्री एज पर द एग्जिस्टिंग इंटरिम पोर्टल। द पब्लिक रजिस्ट्री विल कंटिन्यू टू इंक्लूड सर्च फंक्शन ऑल दो मैनी अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू गेट इट डिलीटेड। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी में आगे क्या हुआ, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड अमंग द मेंबर्स दैट फ्यूचर प्लेजेस शुड कवर अ कॉमन टाइम फ्रेम फ्रॉम 2031। द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द टाइम फ्रेम विल बी डिसाइडेड लेटर। द 2019 लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पब्लिश बाय जर्मन वॉच हैज लिस्टेड प्यूर्टोरिको, श्रीलंका एंड डोमिनिका एज द टॉप 3 इफेक्टेड कंट्रीज हैं, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला क्लॉज है। द इंडेक्स जो प्रोग्राम है, द इंडेक्स इज पार्ट ऑफ द रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 विच वॉज रिलीज एट द एनुअल क्लाइमेट समिट इन पोलैंड इन दिसंबर। द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 एनालाइजेज टू वॉट एक्सटेंट कंट्रीज एंड रीजन्स हैव बीन इफेक्टेड बाई द इम्पैक्ट्स ऑफ वेदर रिलेटेड लॉस इन इवेंट सच एज स्टॉर्म, फ्लड, हीट वेव। फ्रॉम डेटा अवेलेबल फॉर 2017 एंड फ्रॉम 1998 टू 2017। जो इंडियन पैवेलियन था उसकी थीम क्या थी, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, ये थी थीम। इस पर क्वेश्चन बन सकता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ जी, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। हॉर्नबिल आपको मालूम है, एक चिड़िया, ठीक है, पक्षी। दिस एनुअल फेस्टिवल इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एट नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा विच इज अराउंड 12 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम कैपिटल सिटी कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल से 12 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज में ये फेस्टिवल मनाया गया। द ग्रेट हॉर्नबिल, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इज वन ऑफ द लार्जर मेंबर्स ऑफ द हॉर्नबिल फैमिली। हॉर्नबिल फैमिली जो है बर्ड्स की, उसका सबसे बड़ा मेंबर है ये। इट इज फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट इज लिस्टेड एज वनरेबल, जो हमने IUCN के अलग अलग स्टेटस देखे थे, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, क्या है, तो उसमें ये वनरेबल इसको मिला हुआ है टैग। द ग्रेट हॉर्नबिल इज लॉन्ग लिव्ड, लिविंग फॉर नियरली 50 ईयर्स इन कैप्टिविटी। इट इज प्रीडोमिनेंटली फ्रुगिवोरस, मतलब फ्रूट ईटिंग, बट इज एन अपॉर्चुनिस्ट एंड विल प्रे ऑन स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है जी, तो हॉर्नबिल के बारे में बताया गया। इसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था दिसंबर में, तो दिसंबर के जो करंट अफेयर्स थे उनमें से ये लेकर के आया हूँ आपके लिए। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।